अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। पत्नी दिन भर भूखी है, पति के मन में भी है आज मेरे लिए भूखी है, और पति ने तो खा लिया। अच्छा, कोई मेरे से ये भी पूछ रहा था, आजकल पति भी रखने लगे हैं इसको, कोई मुझे पूछ रहा था। मैंने कहा देखो, आप भावना में वृद्धि के लिए रखो अलग बात है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध, और शास्त्र विरुद्ध कार्य करना किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं हो सकता। आप पत्नी से प्रेम अन्य चीज़ों को करके भी जता सकते हो, लेकिन शास्त्र जिसका निर्देश नहीं देता, हाँ अन्य चीज़ें भी हैं। तो प्रेम में वृद्धि के लिए करवा चौथ है, क्योंकि पत्नी जब दिन भर व्रत रखेगी उसे प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। अब पति दिन भर उसको, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अरे मेरी पत्नी भूखी है, तो पत्नी का उस दिन चिंतन दिन भर कर रहा है, वो और दिन नहीं करेगा, लेकिन उस दिन तो कर रहा है, अरे पत्नी ने कहा था 6 बजे आ जाना, ये है। तो पत्नी की तरफ कितने बार, और दिन मान लिया 2 बार याद करता है, लेकिन आज 20 बार याद किया, तो पत्नी की तरफ उसका खिंचाव हुआ। उसके बाद शाम को जब गया, उसने अपनी पत्नी की का मुखमंडल देखा, देखो देखो सुबह से इसने पानी भी नहीं पिया, किसके लिए, मेरे लिए, इसने सुबह से खाना नहीं खाया, मेरे लिए, और देखो कितना सुंदर श्रृंगार करके बैठी है, किसके लिए, मेरे लिए। तो इसमें क्या होगा, इससे भावनाओं में वृद्धि होगी, उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, और फिर उनके दोनों का प्रेमालाप अच्छा होगा, दोनों में संबंध मधुर होंगे, सब कुछ मधुर होगा। तो प्रेम में एक वृद्धि प्रदान करने के लिए इस प्रकार के हमारे ऋषियों के द्वारा बीच बीच में कुछ परंपराएं बनाई गई हैं, इसका मजाक मत उड़ाना। प्रेम से कहिए श्री राधे।